दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और रसल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और साथ ही साथ विजय शंकर की बल्लेबाजी के तूफान में आज कोलकाता की टीम उलझ कर रह गई। कैसे इन तीनों खिलाड़ियों के बल पर गुजरात ने कोलकाता में घुसकर उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। इन सबकी बैटिंग वाइज पूरे मुकाबले के हाइलाइट्स का एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और आंद्रे रसल में एक बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 तो दिन पर दिन रोमांचक होता चला जा रहा है, लेकिन जब दो कांटे की टक्कर की टीमें आमने सामने आती है ना, तो मुकाबला रोमांचक ना हो ऐसा बहुत कम होता है। आईपीएल के 39वें मुकाबले की बात कर रहे हैं। ईडन गार्डन का मैदान था, कोलकाता की टीम भी थी और सामने थे 200 पिछले साल के विनिंग चैंपियंस यानी के गुजरात टाइटंस। 200 ईडन गार्डन के मैदान में मुकाबला शुरू होते ही हार्दिक पांड्या की किस्मत एक बार फिर से उनका साथ दे रही थी। पांड्या मैदान में आए, टॉस जीते और गेंदबाजी चुनी, और दोस्तों गेंदबाजी में शुरुआत भी गुजरात की टीम के नाम थी, क्योंकि आते ही एन जगदीशन का विकेट 19 रन पर शमी को मिल गया। अगले ही ओवर में शमी ने शार्दुल ठाकुर को शून्य पर निपटा दिया। तो वहीं दोस्तों दो खिलाड़ी ऐसे भी थे जिन पर सबकी निगाहें थी, और वो तो दोस्तों वेंकटेश अय्यर व नीतीश राणा। लेकिन आज इनको भी जोशुआ लिटिल ने एक ही ओवर में निपटा दिया, एक खिलाड़ी को 11 रन पर, एक को 4 रन पर। कोलकाता की टीम के मिडल ऑर्डर को टूटता हुआ देखकर एक बात तो दोस्तों कंफर्म हो चुकी थी कि आज दिन गुजरात की टीम का है। गुजरात टाइटंस की टीम के 135 पर 205 विकेट हो चुके थे और रिंकू सिंह भी आज 19 रन ही बनाकर चल दिए। हाँ, मैदान में रसल का तूफान जरूर आया, 19 गेंदे 34 रन और 2 चौके व 3 छक्के इस खिलाड़ी के बैट से निकले, और गुरबाज के 39 गेंदों में 5 चौके व 7 छक्के इस टीम को 81 रन देकर गए। दोस्तों केवल इन दोनों ने आज कोलकाता की इज्जत को बचाया और दिया पूरे 180 का टारगेट दूसरी टीम को, यानी कि दोस्तों गुजरात को जीत के लिए 180 रन बनाने थे। अब किसी और टीम के घर में घुसकर इतना बड़ा रन चेस करना आसान तो नहीं दोस्तों। ऊपर से रिद्धिमान साह आते ही रसल का शिकार बन गए, पारी के 5वें ओवर में 10 रन पर आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों एक खिलाड़ी के आउट होने का मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी टीम खराब है या फिर लक्ष्य को चेज नहीं कर सकती। गुजरात चैंपियन ऐसे ही तो नहीं बने। गुजरात की टीम के बल्लेबाजी के लाइनअप में केवल 3 नाम बहुत थे आज दोस्तों कोलकाता की टीम को कंपाने के लिए, और वो थे विजय शंकर, हार्दिक पांड्या और साथ ही साथ शुभमन गिल। रिद्धिमान साह के आउट होने वक्त दोस्तों वो 10 रन बनाकर गए थे, लेकिन आप ये भी गौर फरमाइए कि तब तक 41 रन बन गए थे। बचे हुए 31 रन लगाने वाला खिलाड़ी शुभमन गिल था, यानी कि दोस्तों शुभमन गिल ने आज एक बेहद ही तूफानी पारी खेली। 35 गेंदों में 8 चौके और 200 के स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने 49 रन बनाए, और फिर तो दोस्तों मैदान में आकर पांड्या ने भी इनका साथ दिया। 20 गेंदे, 2 चौके और 1 छक्का जड़कर पांड्या भी 26 रन बना गए। लेकिन असली मजा तो तब आया जब दोस्तों पांड्या और गिल दोनों आउट हो गए थे। जीतने की उम्मीदें कम लग रही थी क्योंकि दोस्तों रनों का जो अंतर था वो बढ़ चुका था, लगभग 50 गेंदों के अंदर 80 रन के आसपास चाहिए थे कि तभी विजय शंकर आते हैं और मिलर के साथ मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप बनाते हैं जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। दोस्तों विजय शंकर केवल रन नहीं बनाते, अपना 50 बनाकर स्टाइल से मैच जिताकर जाते हैं। ये खिलाड़ी 24 गेंदों में 5 छक्के लगाता है, 2 चौके लगाकर 220 के स्ट्राइक रेट से 51 रन बना देता है। मिलर द किलर तो दोस्तों हर एक मैच में चलते ही है। 18 गेंदों में इन्होंने भी 2 चौके व 2 छक्के जड़कर 170 के स्ट्राइक रेट से 32 रन की नाबाद पारी खेली, और केवल इसी पार्टनरशिप के चलते दोस्तों केवल 3 से 4 ओवर में अगले मैच खत्म हो गया, और 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर गुजरात ने इस मुकाबले को जीता पूरे 7 विकेट के अंतर से। दोस्तों कोई जीत अगर इतने सारे ओवर शेष रहते, विकेट शेष रहते मिल जाए, तो समझ जाइएगा कि दूसरी टीम की बल्लेबाजी में कितना दम था, क्योंकि 180 का टारगेट चेज करना वो भी 18वें ओवर में कोई छोटी बात तो नहीं है। आज वाकई में पांड्या के पांडवों ने पंजा मारकर केकेआर की टीम को लगभग इस आईपीएल से बाहर कर दिया है। अब इतनी बड़ी हार हुई है तो कोलकाता को पॉइंट टेबल में और झटके लग चुके हैं, वो पहले से ही बाहर होने की कगार पर खड़े हैं। लेकिन इस हार पर दोस्तों क्या बोले हैं रसल, चलिए आपको उनका बयान दिखाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रसल ने भड़कते हुए हार के बाद कहा, इस वक्त मेरे पास शब्द नहीं है इस हार को बयान करने के लिए, केवल उदासी है चेहरे पर जो आपको दिख भी रही होगी। ये मुकाबला हमारी टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, हम ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा मुकाबले हार चुके हैं, इसलिए इस मुकाबले को हर हाल में जीतना था हमारी टीम को। और मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी ने मेहनत नहीं की थी, लेकिन मेहनत को सफल तब तक नहीं माना जाता जब तक आप जीतते नहीं हैं। आज हमारी टीम के बल्लेबाजों से भी गलती हुई,
अपने ही घर में। वो अगर टीम को 200 के पार नहीं ले जा पा रहे, इसका मतलब आज हमारी बल्लेबाजी में भी कमी थी, वरना स्कोर बड़े आराम से 200 या 220 के पार होता। मेरे नजरिए में हम कम से कम 30 से 40 रन शॉर्ट थे इस मैच में। ऊपर से पांड्या की कप्तानी और उनके गेंदबाजी का सिलेक्शन मैं देख पा रहा था, वो किस तरीके से कितने सीरियस अपनी टीम को लेकर, आज शायद वही सीरियसनेस हमारी टीम में थी नहीं। और जब लक्ष्य भी ठीक ठाक दिया गया तो गेंदबाजों ने इस तरीके से रन लुटाए कि जरूरत से पहले ही मुकाबला खत्म हो गया। अगर मैच अंतिम ओवर तक जाता भी तो शायद हम इसे जीत सकते थे, लेकिन विजय शंकर की तूफानी बल्लेबाजी ने तो उसे वहां तक ले जाने का भी मौका हमें नहीं दिया। साथ ही साथ पांड्या की कप्तानी को सलाम करता हूँ, जीत के वो पूरी तरीके से हकदार हैं, लेकिन अब आईपीएल से बाहर होने का डर सता रहा है। अपने फैंस से केवल माफी मांगना चाहूंगा। दोस्तों रसल अपने बयान में उदास भी थे, अपनी टीम के खिलाड़ियों पर भड़के भी, लेकिन वो कारण भी बता दिया जिसके चलते जीती है आज गुजरात की टीम। लेकिन आप सभी दोस्तों क्या मानते हैं, पांड्या और रसल में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।